खोती ढूंढने गए हैं इसलिए भाग। आप फायदा उठाओ आप इस... लगता है कि जाने का इरादा है आज। हाँ जी जाए। गांव के बहुत ही वो सफाई सुथराई करना खराब हो जाता है ना आपको। नहीं इधर से अभी नहीं आ रहा, ये इकट्ठा कर रही है एक साइड पर। हाँ अम्मी से बोला था, वो कहते यही ठीक है। अम्मी से बोला था। आ तो सुबह सवेरे बिस्तर उठा रही हो, सबको टाइम से गिटका पकड़ा दिया। चलो आज सुबह सुबह है ना, शाम सूरज अभी अभी निकल रहा है, मतलब आज सब लोग जाना जल्दी उठ गए हैं। खोती ढूंढने गए हैं इसलिए भाग। आप फायदा उठाओ आप बिस्तर उठा लो सारे, फिर नहीं तो फिर वापस आके फिर सो जाते हैं। अच्छा झाड़ू भी लगा रही है और एक साइड से लगाती हैं दूसरी साइड से, फिर दोबारा कचरा आ जाता है। थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे हवा चल रही है ना इसलिए। नहीं इधर से अभी नहीं आ रहा, ये इकट्ठा कर रही है एक साइड पर। ज्यादा दबाव किस साइड पे है? इस साइड पे। अच्छा मतलब आप वहाँ पर इकट्ठा करके रखे हैं तो हवा आएगी फिर इस साइड पे जाएगा। हाँ हवा इतनी नहीं है ना, तो एक साइड पे इकट्ठा करें, जब इकट्ठा हो जाते ना फिर नहीं इधर उधर होता। वो देखिए वो मैंने इकट्ठा कर दिया, वो इधर उधर नहीं हुआ। वो तो मोटा मोटा है, चंगे भले चीज है। ये भी मोटा है, ऐसे इकट्ठे करते रहना। हाँ जी कतरे कतरे से दरिया बनता है, हम ना इस साइड से कतरा कतरा इकट्ठा करके ना एक साइड पे रखते हैं। सवेरे सवेरे का टाइम है जी, माशाल्लाह ब्यूटीफुल वेदर, गांव के बहुत ही आगे क्या कहते हैं मीठे मीठे चलो कह ले प्यारे। हाँ बहुत ही प्यारे प्यारे सुबह, सूरज को देखना है, वो देखे नजर आ रहा है, ये है सूरज जो कि अभी अभी निकल रहा है। माशाल्लाह से सब लोग उठ चुके हैं, दो बंदे अभी सोए हैं, समिया और इस्तियान। हवा भी चलती है, कूलर पंखा भी लगाते हैं मच्छरों की वजह से, और वो हवा पता है कैसे चलती है, वो देखे ना धीमे धीमे बस पत्ते हिल रहे हैं थोड़े थोड़े, और माशाल्लाह से मट्टी शट्टी भी बना रही हैं, मट्टी नहीं लस्सी लस्सी बना रही हैं। नहीं जल रहा तंदूर, मैं जला दूँ? हाँ जला दो। ऐसे ही मुश्किल में पड़ी रहती हैं, वो कहते हैं ना पंगा पंगा लेती रहती हैं हर चीज़ से, होता तो है नहीं। आप कर दें। रोज़ तो मैं करके देता हूँ। कब किया है? यार ऐसे मुकरा ना करें, जब आपसे तंदूर नहीं जलता मैंने जला के देता। चलो आप भी जला दो। नहीं अभी मेरा मूड नहीं है। आपका मूड नहीं है तो फिर हमें भी जलाना पड़ेगा। जलाए ना, क्यों नहीं जल रहा? जल रहा है, नीचे देखो, ऊपर नहीं है, नीचे है। मेरे निगाहें आसमान पर होती हैं। आसमान पर नहीं जलेगा। क्यों? नीचे जल रहा है। मैं नहीं देखता नीचे ना, देखें
अच्छा अच्छा बना ले टाइम से। हाँ जी बना ली। सबको दे भी दे। हाँ फरमान भाई को दे दिया, अबू को दे दिया। और मैं आप सुबह सुबह नहीं पीते? पीता हूँ थोड़ी बहुत। जब पूछती हूँ तो कहते हैं नहीं पीऊँगा कभी कभार, जब ना कोई नज़ला तो काम होता है थोड़ी तबीयत खराब होती है फिर पी लेता हूँ। आज खांसी हो रही है, मैं क्यों पीऊँ? आप दे ना डाल के। हाँ देती हूँ, जब बाद में बोलेंगे और देते हैं, फिर पूरा दिन चाय पीते हैं। नहीं अभी पीऊँगा, फिर दोपहर को बस। जब नाश्ता करते हैं फिर क्या कहते हैं? मेरी चाय। मैं थोड़ी सी उस वक्त भी लेता हूँ ना। ये थोड़ी थोड़ी पूरा दिन तो पीते हो। चलो खैर है यार, खैर है, मैं ज्यादा नहीं खर्चे करवा रहा आपके। काम करें खर्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारे देखने वाले साहब बहन भाई, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हमारे घर में भी सब ठीक है। तो अभी जो इरफान जो है चाय की बहस कर रहा है, कहता है कि मैं इतनी चाय नहीं पीता, पूरा दिन गुजर जाता है इसकी चाय ना उतरती नहीं है। अभी कहता है कि मैं चाय ना कम पीता हूँ, तीन टाइम बनती है, तीन टाइम तो पीते हैं। चलो वो काम तो दे दे। हाँ देती हूँ। खांसी हो रही है। चाय पी लें? हाँ जी सुना है। ठीक। खोते ढूंढने गए थे, लाभ गई है। मिल गई? कहाँ पे थी? जहाँ पहले रहती थी वहाँ, जहाँ से ले थे। हाँ। यार आप ऐसा, ये डेली भाग जाती है ना। हाँ जी। आप ऐसा करो, ये खोते बेच दो और कोई नवा ताजा जोश वाला खोता ले आओ। हाँ अम्मी से बोला था, वो कहते हैं यही ठीक है। अम्मी से बोला था? हाँ। अम्मी कोई व्यापारी है? नहीं। अबू को बोलो ना। अबू नहीं लेके देता। ये खोती जो है ना ज़्यादा तंग करती है आपको, है ना? हाँ। कहाँ से लेती? पप्पू से। पप्पू से तो लिया, उसका नाम क्या है? पप्पू। उसका नाम भी पप्पू है? हाँ। तो उसको बोलो ना, इसको समझा के बेचते। वो ऐसे होती है गधा। आप ना कोई खच्चर ले लो। घोड़ा ले लेते हैं। घोड़ा आप आपसे नहीं संभाला जाएगा, चल जाएगा। वो इतना बड़ा होता है, एक पाँव देगा आप यहीं पे ढेर हो जाओगे। नहीं। क्या नहीं? मैं पश्तो में बता रहा हूँ। अगर मेरा संग खराब है, मुझे ज़्यादा परेशान करोगे तो मुझे ना खांसी आ जाएगी। अच्छा। तो आप ऐसा करो, खोती बेचो, मैं खांग लूँ। खोती बेच दो और घोड़ा ले आओ। मैंने जब आप ले रहे थे ना खोती, मैंने मशवरा दिया था। पता नहीं क्या मशवरा दिया था। पता नहीं बताऊँ? हाँ। मैंने कहा कि ये खोती आप ना गिने, ये आपको आगे नुकसान देगी। आपने बोले वे खैना, ये हमें अच्छी है। घा करना चाहता हाँ। अच्छा वो डूबते को तिनके का सहारा मिल रहा था। हाँ। आपने ले लिया। हाँ। मेरा गला खराब है, इसका क्या करूं? जहर खा लो। जहर? हाँ। उससे सारा कुछ ठीक? हाँ। ये पर बक बक भी बंद हो जाएगी। हाँ। ये तो गलत मशवरा किया। हाँ। बोलता है जहर खा लो। और जहर खा लो तो गलत है, दवाई खाओ सेट हो जाएगा। जहर खाने से तो मैं मर भी सकता हूँ। दवाई खाओ। दवाई? वो आप बोल रहे हो दवाई खाओ जहर खाओ। दवाई ले आओ ना। बैठ मैं तो खांस खांस के ना
यो खांग खांग के उकता हो चुका हूँ। सही है, जलेब रखा हो। रिजवाना यहाँ पर आई है झाड़ू लगाने, बकरियों वाले वाड़े में आ गई है। और यहाँ पर जो है ना, ये अम्मी ने बोला है हेल्प करवा लिया करे, क्योंकि आपको पता है कौसर और सोबिया जो है ना, ये काम नहीं कर पाती और कोई वजन भी नहीं उठा पाती, इसलिए रिजवाना को बोला है। हाथ बटा लेगी, चलो आगे इसके लिए भी अच्छी बात है, कुछ सीख जाएगी और अम्मी को भी सहारा मिल जाता है ना। वो आती है बेचारे घास करके थकी हुई आती है, फिर इधर झाड़ू भी लगाना होता है। हाँ जी, क्या बात है? आज नहीं जाना, इसके बाप की रात चलता है। हाँ ले जाओ, हसे बाप भी आ जाओ ना, इसको छिकवा के ले जाओ। वो बोलती है आज मैंने नहीं जाना, आज मेरी जगह सेब रेडी चलाएगा। हाँ घास पे भी जा रहे हैं, अम्मी भी तैयारी कर रही हैं घास पे जाने की। जाना है ना, डेली जाना है। और आज आपकी गधा साथ नहीं दे रही, नहीं दे रही, तो मार खाएगी। चलो ले आओ आप। ये लेकिन मत करना चाहिए हूं आकरे में, जब लेके आए ना खुद मरण वाली मार बला। हूं देख कितना मोटी ताजी हो गए, एक रात को छोट गए थे खुरा के कुलई खड़े से, ए देवें देवें चब्बा। हूं देख कितना मोटी हो गए, फिर भी नखरे करती, वो हड आराम बनते जा रही है। चलो माशाल्लाह पुत्र सफाइयां। क्या सफाइयां? हाँ मैंने आपका इंटरव्यू दे दिया है पहले, अम्मी के साथ है, हाथ बटा लिया करो। वो उन्होंने रोज, चलो चलो जी, गाड़ी सफर पर रवाना हो चुकी है। आज पता नहीं कौन से शहर जाते हैं, लगता है करीब ही जा रहे हैं, ये वाले शहर जा रहे हैं, यहाँ पास में ही है। आज गाड़ी भाग नहीं रही, पता नहीं है क्या। तोड़ के रखो, तोड़ के, शाबाश। गाड़ी शाड़ी साफ हो रही है, लगता है कि जाने का इरादा है आज। हाँ जी, जाए या ना जाए हिफाजत तो करनी है, सफाई तो करनी है। सुबह से डिप्टी पे जाते हैं, शाम को आते हैं, पता नहीं कोई काम होते हैं या वैसे के वैसे। बगैर काम कभी कोई जाता है? काम होते हैं तो बंदा जाता है बाहर।
नहीं कल वो मिस्त्री फिर धोखा दे गए। कल फिर धोखा दे गए। इनका कोई पक्का बंदोबस्त करे ना। करते हैं कुछ, उम्मीद है आज आ जाएंगे, ना आए तो फिर शाम को उनके घर में जाके बैठते हैं। जलील कर करके रखा है उन्होंने, दो तीन महीने हो गए काम मस्जिद का रखा हुआ है इस वजह से। हाँ जी, कल बोला था कि 12-1 बजे आ जाएंगे लेकिन नहीं आए, आज शायद आ जाए। काम शाम करके वापस आ गए? हाँ जी आ गए हैं वापस, हाथ मुंह धो रहे हैं। हाँ वो सफाई सुथरा करना खराब हो जाता है ना हाथ पो। हाँ जी। और चौथी बार धो रही हैं आप? पांच बार धोंगी। पांचवी बार है ये? नहीं पांच बार धोंगी, आपने बोला चार बार धो लिया है, एक बार फिर भी आऊंगी धो लूंगी। नहीं अभी तो पूरा दिन पड़ा है, आप मुझे लगता है 10-12 बार धोती है चेहरा। आपने तो बोला है अपने चेहरे को ना साफ सुथरा रखा करें, तो फिर पूरा दिन ना मैं ऐसे साबुन लेके यहीं पर बैठी रहूँगी। हाँ मैंने बोला है तो वैसे करते रहो, कामयाब हो जिंदगी में। और मैंने आपको बोला ये रिजवाना भी 10 बार मुँह धोती है, उसकी वजह 20 बार और तेरे मतलब आपको ज्यादा चेहरे की फिक्र रहती है ना। हाँ जी। एक वो काला ना हो जाए। हाँ, बिजनेस पे जाना पड़ा होता ना। ओ, ये हमारा बिजनेस है। बिजनेस गर्ल। हाँ जी। चलो आप चवे वाले धोना आज। नहीं 30 बार। और उसका भी धुला लेना, तकरीबन 23 बार आप धोए और 17 बार उसका भी धुला, दोनों चिट्टियाँ रहोगी। ये हमारा बिजनेस है ना, ओनली जॉब। हाँ जी, इसलिए हम साफ सुथरे रहते हैं। वेरी नाइस, चलते हो आप? गुड आइडिया। चलते हो? मैंने कहा गुड आइडिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये क्या कर रही हो? ध्यान से चलूंगी। कचरा घर से? कचरा उठा लिया? किधर है? बच्चों के पलों में उठा लिया? हाँ जी। दिखाओ हाँ, किस चीज का कचरा? ये देखें जी कचरा इसमें उठा के लेके जा रही है। हाँ जी। कोई बर्तन नहीं था? मैं बर्तन कैन पहनने में बहुत छोड़ना चाहता हूँ। इसमें डालती हो? हाँ जी। कमाल है, चलो डाल के आओ, अभी सब्जी बना रहे हैं दोपहर वाली। हाँ। चलो सही है डाल लो। अभी जी जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि आपको पता है हम गए थे पिछले जुम्मा को ये फास्टी टीका लगवाने, और उस दिन जो है हॉस्पिटल वालों ने नहीं लगाया था, उन्होंने बोला आईडी कार्ड पहले बनेगा कसर का फिर जो है टीका लगेगा। तो आईडी कार्ड जो है ना मेरा भी पहले दर्ज हो चुका है, एक इंजेक्शन जो है हम लगवा चुके हैं, आज जो है दूसरा लगवाने जा रहे हैं हॉस्पिटल जो है। उस वक्त उस दिन हॉस्पिटल वालों ने ना जवाब दिया था कि नहीं लग सकता, उस दिन हम वापस आ गए थे। अभी जो है हमने किसी से मशवरा किया, उन्होंने एक नंबर दिया है डॉक्टर का जो हमारे 33 में रहता है, तो उसने बोला है कोई आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आप ले आए, वो भी इंजेक्शन लगाता है फास्टी, तो उसके पास आज जा रहे हैं। दुआ करें कि दूसरा इंजेक्शन जो है फास्टी वो लग जाए, और धूप भी बहुत ज़्यादा है, टाइम जो है काफ़ी हो रहा है, दिन चल रहा है, गर्मियों के दिन है, आपको पता है हम भी गाँव में रहते हैं तब पे धूप बहुत ज़्यादा होती है, हमारे मारियाँ तो नहीं है कि हम पैसे पे बैठे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, चोर भी जा रहे हैं पानी भरने, और धूप बहुत ज़्यादा है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, आप कुछ मैं नहीं बोलेगी। हाँ जी अभी जा रहे हैं बस, अब हम भी दुआ कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आज जो डॉक्टर ने बताया है वो इंजेक्शन ना लगवा के आ जाएंगे,
और अभी चले ना, धूप बहुत ज्यादा है। हाँ जी, वो पिछला जो ना क्या मामला था उसका, हाँ आईडी कार्ड बनवाने का, वो अभी इस वक्त मुनासिब नहीं है, हम नहीं बनवा सकते ना क्योंकि तबीयत उसकी ख़राब है और सफ़र पे नहीं जा सकते, तो इसलिए हमने आईडी कार्ड नहीं बनवाया। अभी इंशाल्लाह ये दूसरा टीका लग जाए, उसके बाद अल्लाह अल्लाह फिर आईडी कार्ड बनवाते रहेंगे इंशाल्लाह।